हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा Redmi A2 फ़ोन है, तो Redmi A2 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में फ्लैश नोटिफिकेशंस हैं, तो फ्लैश नोटिफिकेशंस को आप कैसे इनेबल कर सकते हैं, यानी नोटिफिकेशन लाइट को कैसे इनेबल करके आप शो कर सकते हैं और कैसे इसका यूज़ कर पाएंगे रेडमी फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो स्टार्ट कर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन आएंगे, सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशंस लाइट है, तो नोटिफिकेशंस लाइट को इनेबल कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, शो हो रही है, तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर सर्च करना है नोटिफिकेशंस लाइट। तो नोटिफिकेशंस लाइट यहाँ पर ऑप्शन आएगा पर सर्च नहीं आएगा, तो आपको सर्च करना है फ्लैश विंड रिंगिंग। तो फ्लैश विंड रिंगिंग का ऑप्शन आएगा जिसको आप डिसेबल एंड इनेबल कर सकते हैं। तो हमें इसको इनेबल करना है, तो इनेबल करते ही जो भी लाइट है नोटिफिकेशंस की इनेबल हो जाएगी। तो जैसे आपके फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशंस रिंगिंग शो होती है तो उसमें जो लाइटिंग है शो करेगी, क्योंकि हमने इसको इनेबल कर दिया। तो इस तरीके से आप नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल कर सकते हैं। फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, तो यहाँ से भी आप फ़ोन सेटिंग्स पे जा सकते हैं। आपको फ़ोन आइकन सेटिंग्स पे जाना होगा, इस तरीके से यहाँ से 3 डॉट पे जाकर आपको सेटिंग्स ऑप्शन को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेना है जहाँ से आपके पास कॉलिंग अकाउंट सेटिंग्स आ जाएगी, तो इसको भी ओपन कर लेना है इस तरीके से। फिर आपके पास से ऑप्शन आ रहा है इनकमिंग कॉल सेटिंग्स, तो इनकमिंग कॉल सेटिंग्स पे जाकर जो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन लाइट है उसको यहाँ से इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। वैसे तो इसको हम ऑन कर देंगे, ऑन करते जो भी लाइटिंग है आपके नोटिफिकेशन पे शो करेगी और साथ में कॉलिंग्स पे भी शो करेगी। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।